महज औपचारिकता बस हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, केवल औपचारिकता बस। 5 सितंबर आया, हमने शिक्षक के सम्मान में उस दिवस को मनाया और हमारी औपचारिकता पूरी हुई। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि छात्र और शिक्षक के बीच जो संबंध होना चाहिए उस संबंध में जुड़ाव पैदा हुआ है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागो पाए, मतलब गुरु का दर्जा ईश्वर से बढ़ के, पता नहीं भविष्य में रहेगा या नहीं रहेगा, यह तो तमाम हमारे प्राध्यापक गण बताएंगे, इस पर अपनी भावना को रखेंगे। लेकिन मुझे जहां तक प्रतीत होता है, चाहे इस व्यवस्था में सरकार की गलती रही हो या हम शिक्षकों की गलती रही हो, हम लोगों के बीच वो भाव पैदा नहीं हो पा रहा है। शायद इसका मुख्य कारण ये रहा होगा, या हो सकता है ऐसा हो कि शिक्षक को भी एक पेशा के रूप में प्रस्तुत किया गया। कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग संस्थाओं का खुलना, प्राइवेट संस्थानों का खुलना, और अगर मैं कहूं तो ऐसे ये अनायास नहीं हो रहा है, इसके पीछे षड्यंत्र काम कर रहा है। कुछ दिन पहले मैंने मनीष सिसोदिया को मैं सुन रहा था, जिसके एजुकेशन मॉडल को पूरा विश्व अपना रहा है। वो कह रहे हैं कि उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो सकती है जिस राज्य के शिक्षा मंत्री की पत्नी ही निजी स्कूल चलाती हो। उस देश की शिक्षा व्यवस्था सुधर ही नहीं सकती है, वह तो शिक्षा को व्यवसाय के बतौर परोसेगा, और जहां व्यवसाय हो जाएगा, व्यवसाय का तात्पर्य होता है जहां घाटे और नाफे का सौदा हो जाएगा, वहां सम्मान नहीं देगा। फिर छात्र ज्ञान खरीद रहे और शिक्षक ज्ञान को बेच रहे हैं।